So yesterday I discussed about the carriers and multiple access protocol and its frame format also. So last में हमने आपको ये frame format last lecture में discuss किया था. एक तो आप लोग timely class में नहीं आते हैं. ये frame format था आपका जिसमें permeable 7 byte का stores प्रेमेबल 7 bytes स्टार्ट फर्स्ट डेलिमीटर दैट इज योर 1 byte डेफिनेशन एड्रेस 6 byte सोर्स एड्रेस वाज आल्सो 6 bytes लेंथ पीडीयू दैट वाज 2 bytes डेटा एंड स्पेडिंग दैट इज अनलिमिटेड और एज पर डिजायर बाय द कस्टमर मीन्स सेंडर और रिसीवर एंड लास्ट में 4 byte का सीआरसी इज देयर टू रिमूव टू एरर कंट्रोल. So now, further discussing about the CSMA with other variations, that is collision detection and collision avoidance, CD and CA. CA. Also we discuss about the persistent and non-persistent CSMA day before yesterday lecture. So persistent and non-persistent CSMA protocols are clearly an improvement over ALOHA. Whatever drawbacks in the ALOHA is covered into the carrier sense multiple access. जो आपका protocol हम लोगों ने discuss किया था. ALOHA there are many drawbacks CSMA to a large extent cover overcome this type problem mainly collision. Also CSMA ensure that no station begins to transmit when it senses the channel is busy. Another improvement is for station to abort their transmission as soon as they detect a collision. Also, this type facility is available in CSMA, carrier sense multiple access, also known as Ethernet. In other words, if two station senses the channel is to be ideal and begin transmitting simultaneously, they will both detect the collision almost immediately, rather than finish transmitting their frames, which are irredeemably garbled anyway. They should abruptly stop transmitting as soon as the collision is detected. जैसे ही उनको पता चल गया तो तुरंत इसको प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है एंड रीट्रांसमिशन प्रोसेस इज कैरीड आउट. क्विकली टर्मिनेटिंग डैमेज फ्रेम्स सेव्स टाइम्स एंड बैंडविड्थ. दिस प्रोटोकॉल हैज अनदर वेरिएशंस विद कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस. सो कम टू द CSMA CD is the variation of carrier sense multiple access in collision detection form, in which the collision detection is advanced, fetched out, and prevent your time and bandwidth to sending the frame which is already collided or lost in traveling. This protocol is widely used in LAN and in the MAC sublayer. In particular, it is the basis of popular Ethernet LAN, so it is worth devoting some time to look in good and efficient approach. CSMA CD as well as many other LAN protocol uses the conceptual model. मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि CSMA CD के लगभग 3 stages होते हैं. पहला ट्रांसमिशन पीरियड, सेकेंड इज कंजेशन पीरियड एंड थर्ड इज एडिल पीरियड. दैट इज ट्रांसमिशन पीरियड, सेकेंड वन इज कंटेंशन प्रॉब्लम और पीरियड एंड थर्ड वन इज एडिल पीरियड.
you can understand this process with this diagram. Suppose here is a frame, कोई भी सिनेरियो है आप उसको डायग्रामेटिकली पहले यहाँ डायग्राम बनाइए नीट एंड क्लीन, देन ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है, ये आपके लगभग सपोज करिए ये कंजेशन पीरियड आपका आ गया, दिस इज ट्रांसमिशन पीरियड. इनिशियली ट्रांसमिशन पीरियड इज कैरीड आउट, नाउ दिस पीरियड इज नोन एज कंटेंशन प्रॉब्लम, कंजेशन प्रॉब्लम एंड कंडेंशन पीरियड ऑल्सो नोन एज. आफ्टर दैट फ्रेम गोज समवेयर, देन यहां पे एक स्लॉट बना होता है कंटेंशन स्लॉट, उसमें आप इसको कैप्चर कर लेते हैं. दीज आर नोन एज कंटेंशन स्लॉट. देन फ्रेम ट्रेवल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड हियर सपोज आफ्टर सम ब्रेक आइडियल कंडीशन इज या आइडियल पीरियड इज नोटेड डाउन एंड देन फ्रेम ट्रेवल्स टू इट्स डेस्टिनेशन एंड दिस इज आइडियल पीरियड. ये वाला पीरियड जो यहाँ का गैप आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज आइडियल पीरियड. और ये सब आप क्या कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन में, टाइम और बैंडविड्थ के कंपैरिजन में ये सारी कंडीशंस आपकी कैरी ऑन, दिस इज द कंडीशन. सो व्हाइल यू ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम एट द पॉइंट सपोज इनिशियली दैट इज योर टाइम अलॉटेड इज टी जीरो, अ स्टेशन हैज फिनिश्ड ट्रांसमिटिंग इट्स फ्रेम, एनी अदर स्टेशन हैविंग अ फ्रेम टू सेंड मे नाउ अटेम्प्ट टू द सेम प्रोसेस इफ टू और मोर स्टेशन डिसाइडेड टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली देयर विल बी अ कोलिजन. कोलिजन कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग एट द पावर और पल्स विथ ऑफ रिसीव सिग्नल एंड कंपेयरिंग इज टू द ट्रांसमिटिंग सिग्नल. ये ऑलरेडी डिटेक्शन प्रॉब्लम है तो या तो पल्स देखेगा पावर देख लेगा, ऑल्सो द प्रोग्रेस बार इफ यू मेंशन देयर, also time elapsed there is also process by which you can estimated or sense where there is any congestion any collision any congestion or collision occur. theek hai, there will be collision. after you find out the collision you abort the transmission immediately, aap turant usko abort kar dijiye rather than you wait to packet send its destination and then acknowledge come to you that your packet is lost or it is damaged. whenever you sense that your packet collided you directly abort kar dijiye pure process ko aur resend kar dijiye, wait kariye and tries to resend, assume that no other station has started transmitting in the meantime, it should be ensured by you. There are many mechanism by which you can discover the same. Therefore, our model for CSMA CD will consist of alternating condition and transmission period with ideal period corresponding and occurring when all stations are quiet, means they are in working condition. Or if you find anywhere, anytime there may be some possibility of congestion. or maybe there is some possibility of collision, you should wait till the channel is cleared, till the path is cleared, then only you are able to send your message correctly to the receiver end. so by this protocol you can already detect the collision in previous. this is the mechanism by which you can control the collision process to a large extent. it doesn't guarantee that it is totally collision free. ye aapko guarantee bilkul nahi milegi yahan pe ki aap isko pura pura bacha lenge, but to a large extent you are capable to detect the collision process, may be collision
or may be unauthorized access of your frame or packets. Next, come to the another variation that is known as CSMA CA, collision avoidance. Very important है, carrier sends multiple access with collision avoidance. ये बहुत कम books में आपको मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा. जितना मैं यहाँ पे बता देता हूँ यही आपका है, यही डिटेल नोट है. ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, बहुत कम किताबों में मिलेगा. डिस्क्रिप्शन हो सकता है नाम मेंशन किया हो लेकिन डिस्क्राइब नहीं होगा वहां पे. चाहे वो हमने आपको जो रेफर की है पहली बुक अपनी फ्रोजन और दूसरी बुक अपनी टेनेनबॉम, दोनों में ये नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है. आल्सो देयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी ए अनदर मीन्स जो CSMA CD द वर्जन और वेरिएशन इज फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क. जहां कनेक्शन ओरिएंटेड है यानी आप कह सकते हैं वायर ओरिएंटेड सिस्टम. एंड CSMA CA इज वायरलेस नेटवर्क. ये प्योरली बना है वायरलेस नेटवर्क यानी कनेक्शन लेस. जहां पे भी आपका सर्विसेज है वहां पे CSMA CA वेरिएशन वर्जन यूज होता है. ध्यान रख लीजिएगा, क्लियरली मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ. CSMA CA इज प्योरली फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन और नेटवर्क. सो इट इज ऑब्वियस CSMA CD इज फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क. ठीक है, इट इज अनरिलायबल डन ड्यू टू द हिडन नोड प्रॉब्लम. वेरी इफेक्टिव व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन अ नेटवर्क वेयर देयर आर मेनी हिडन नोड एंड देयर मे बी अनडिस्कवर्ड प्रॉब्लम, देन इट इज वेरी रिलायबल CSMA CA. इन वायर नेटवर्क इफ अ कोलिजन हैज अकर्ड देन द एनर्जी रिसीव्ड सिग्नल ऑलमोस्ट डबल्स एंड द स्टेशन कैन सेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन. बट इन वायरलेस नेटवर्क मोस्ट ऑफ एनर्जी यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड एनर्जी रिसीव्ड सिग्नल इंक्रीज बाई 5 to 10% इफ कोलिजन अकर्स. देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ CSMA CA. बाकी वर्किंग पूरी लगभग वही होती है. एडवांटेजेस ऑफ CSMA CA एज ऑलरेडी टेल यू दैट CSMA CA is for wireless network. ये बहुत पूछा जाता है. सेकेंड वन इज ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट डेटा इज नॉट लॉस अननेसेसरली. इसमें आप पूरा पूरा वेट करते हैं जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ पाए. काफी है उसमें, आप इसमें कोलिजन डिटेक्शन में भी वेट करते हैं बट एक बार आपका कोलिजन आपको पहले से पता चल गया सेंडर साइड पे तो फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करते. लेकिन जो आपका ये CA वर्जन है कोलिजन अवॉइडेंस, इसमें एक्नॉलेजमेंट पूरा पूरा आप वेट करते हैं. बिना एक्नॉलेजमेंट के कोई प्रोसेस आप कैरी ऑन नहीं करते. सो ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट डेटा इज नॉट लॉस्ट अननेसेसरली. थर्ड वन इज इट अवॉइड्स वेस्टफुल ट्रांसमिशन. वेस्टफुल ट्रांसमिशन का मतलब यही हो गया कि आपने वेट नहीं किया एक्नॉलेजमेंट का और जैसे ही आपको अपने साइड से पता चला कि देयर मे बी सम कोलिजन और योर पैकेट इज डैमेज्ड, तो देन यू रीसेंड योर पैकेट एंड आल्सो वेस्टेज ऑफ योर टाइम विच इवर फॉर अनदर पैकेट केप्ट बाय यू, जो कि उसके लिए आपने बचा के रखा था वो इसी में रिट्रांसमिशन में आपका वेस्ट हो गया. थर्ड एंड फोर्थ इट इज आल्सो फॉर
हैवी नेटवर्क इन वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस कनेक्शन. देयर आर सम डिसएडवांटेज और लिमिटेशन फर्स्ट प्रोसेस इज टू कॉम्प्लेक्स एंड वेटिंग प्रोसेस इज टीडियस. इन कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल CSMA वर्जन देयर यू मस्ट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट और द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर साइड. इफ देयर आर इनडेफिनिट वेट, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप कितने समय तक वेट कर रहे हैं, आपका एक्नॉलेज आ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं ट्रैफिक की वजह से उनको उधर से पता चले कि हमने ऑलरेडी रिलीज किया आप एक्नॉलेजमेंट लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है. ऑल्सो रिसीवर एंड सेंड्स मैसेज इन अदर वे अनदर चैनल दैट योर पैकेट इज सक्सेसफुली सेंड टू देयर एंड मीन रिसीवर एंड बट until unless you didn't receive the acknowledgement, पूरा प्रोसेस जो acknowledgement मैसेज ना आ जाए तब तक आपको वेट ही करना है. यहाँ पे वर्बल और अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन का कोई भी स्कोप नहीं है. एंड ऑल्सो देयर इज इट हैज हाई पावर एंड bandwidth consumption. ये कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत बड़ी लिमिटेशंस नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक है कंपैरिजन टू द कनेक्शन ओरिएंटेड मींस CSMA CD के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि हाई बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड एंड मोर पावर इज रिक्वायर्ड इन CSMA CA. सो दिस इज ऑल अबाउट द ईथरनेट IEEE project 802.3 इसमें किसी को कोई भी टॉपिक ना समझ में आए आई एम रेडी टू एक्सप्लेन. ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक का कोई भी पार्ट ना समझ में आए, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा. और ये जो मैंने आपको पहला फ्रेम फॉर्मेट बताया था इसका ऑफिशियल, इसके पहले मैंने मैक का भी बताया था, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो सब लेयर उसका भी फ्रेम फॉर्मेट जनरलाइज वे में बताया था, बट इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विच इज फर्स्ट फ्रेम फॉर्मेट जनरेटेड बाय IEEE. इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्योंकि 801 जो है आपका इंटरनेट वर्किंग टूल है विच विल बी डिस्कस लेटर इन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें आपके राउटर्स है, हब है, गेटवे है, रिपीटर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. LLC इज द अपर लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर, ऑलरेडी डिस्कस. एंड सेकेंड इज 802.3. सेकेंड मीन्स आपके एक्चुअल में वर्किंग में आपका जो लेयर की है वो ये यही वाला है CSMA CD, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईथरनेट. इसके फ्रेम फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत हो या इसकी वर्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो, and also there may question arise what is difference between Aloha and CSMA carrier sent multiple access and Aloha mein kya difference, kyunki humne jab aapko channel allocation bataya tha there were many important key assumptions of dynamic channel allocation. ek static channel allocation tha, dusra dynamic channel allocation tha jisme humne aapko different point bataye the, station model tha, कैरियर सेंस था, नॉन कैरियर सेंस था, स्लॉटेड टाइम था, ठीक है, वर्क स्टेशन का टाइप था, ये सब की एजम्पशंस थे. तो उसके बेस पे ही कैरियर सेंस प्रोटोकॉल इज डिस्कवर्ड बाय IEEE इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रोजेक्ट डेवलप 802 एंड देयर आर वेरियस वेरिएशंस ऑफ 802 प्रोजेक्ट. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू आस्क. मीनवाइल आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुझे 49 दिख रहे हैं,
सभी लोग चैट बॉक्स पे अपनी प्रेजेंट लिख दीजिए, कौन कौन है, प्रेजेंट प्रेजेंट लग के लिख दीजिए, ऑलरेडी नाम मेरे पास हो जाएंगे और बाद में इस अटेंडेंस को मैं जिस तरह से मैनुअल प्रोसेस करते हैं उससे मैच करूंगा। ठीक है, देयर आर मैनी पर्संस, दे आर ज्वाइन इन बिगनिंग ऑफ द क्लास, देन आउट एंड देन फिर एंटर कर जाते हैं। कल बहुत सारे लोग आए थे, शोभित गुप्ता आप भी आए थे, उसके बाद आप चले गए थे, प्रसून शुक्ला ऑल्सो ज्वाइन ट्यूट क्लास एंड देन यू क्विट, और बहुत सारे लोग आए नहीं थे पूरा ग्रुप बनाकर। आई विल ऑल्सो टेक एक्शन ऑन दैट। कौन नितिन सैनी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया हुआ है। ओके, मैं इंडिविजुअल बात करूंगा अभी, नहीं आप बताइए नहीं, मैं इंडिविजुअल बात करूंगा तब मैं रीजन सबका सुनूंगा। आपके पास किसी के पास भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे या फोन भी कर सकते हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, सभी लोग इस समय हम लोग घर पे हैं, ज्यादातर ये अवॉइडेबल है कि आप घर से बाहर ना निकले, कुल मिलाकर क्लास करनी है। इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटीमेट करना जरूरी है। और लेकिन कल कुछ खास लोगों ने कुछ खास स्ट्रेटजी के थ्रू क्लास नहीं की थी, कुछ लोग आए थे लेकिन उन्होंने देखा कि उनके गैंग के या ग्रुप के लोग नहीं है तो उन्होंने उनको क्विट कर दिया, उसमें से प्रशिक्षक शुक्ला भी एक है। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि उनके बहुत सारे फ्रेंड नहीं है तो उन्होंने क्विट कर दिया। आप ये मत सोचिए कि नोट डाउन नहीं होता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, चाहे आप जो कुछ कह रहे हो या जो मैं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। बस अब अटेंडेंस टाइम इज ओवर, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन में ही काम होना है सब कुछ, बाकी बाद में मैनुअली काम करेंगे। अस्मिता गुड़िया, अस्मिता, अस्मिता, इफ यू नॉट आंसर आई विल रिमूव यू। आयुषी, आयुषी जैन, हाँ, आपको स्लॉटेड अलोहा, प्योर अलोहा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स विद टू वेरिएशन सीडी एंड सीए में किसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, अंडरस्टैंड? डायग्राम बना लेंगे, मेन इसमें डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गई, देखिए वर्किंग मेन कॉन्सेप्ट यही है। अभी तक जितना हम लोग ने चाहे डेटा लिंक लेयर पढ़ा हो, चाहे यहाँ शुरुआत प्रोटोकॉल से की हो, जितना भी मेन हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका मेन कंक्लूजन यही है कि पैकेट मस्ट बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विदाउट एनी लॉस और डैमेज। देयर मे बी मेनी सिचुएशंस राइज, जैसे आप कह सकते हैं थोड़ा लॉस हो गया, कोलाइड कर गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो आप अगेन एंड ओवर टू ओवर पैकेट सेंड करते चले जा रहे हैं, सो दैट योर बैंडविड्थ, योर टाइम इज आल्सो लॉस्ट एंड अदर यूजर वेट्स देयर टाइम इज आल्सो किल्ड। कुल मिला के ये मेन प्रॉब्लम्स हैं और इनके सोल्यूशन के लिए ही पहले अलर्ट किया गया, स्टैटिक और डायनेमिक चैनल लोकेशन को डिफाइन किया गया, देन कम टू द नॉर्मेंस वर्क नोन एज एलोहा। There were two variations of aloha, pure aloha and slotted aloha, and also there are some limitations of aloha. Then come to the IEEE 802 project with third variations 802.3 known as Ethernet,
and practically known as CSMA, carrier sense multiple access, to a large extent by using this protocol there may be some capacity to cover to detect the collision during traveling from sender to receiver end. And also CSMA is available with two variations, CD means collision detection and CA collision avoidance. CD is basically for connection oriented network and CA is for connection less yani wireless network ke liye. Collision detection mein whenever you send the packet, whenever you acquire the channel by which you can send the packet, you already know in advance or in the midway that there may be some possibility of collision. ठीक है, आपको पहले ही पता चल जाता है. Either you pull your packet from midway or you can resend your packet after the confirming with receiver. आप कर सकते हैं. There may be also facility or possibility that you may wait for acknowledgement or you may also not wait acknowledgement if informal आपको अगर कहीं से मिल गया कि नहीं पैकेट आपका लॉस हो गया, then you are free to resend your packet. There in collision avoidance variation CSMA, it is purely based on the formal communication by which you should wait, you must wait for acknowledgement in proper manner. If there may be loss, then resend the packet. Also, there are least probability to loss or damage or unauthorized access of your packet. Least मतलब पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि खत्म ही हो गया है, बस least probability है. ठीक. Next, come to the another variations of CSMA. And also Project 802, that is known as 802.4 token bus and 802.5, that is token ring. Ring or bus, these are name of topology, means structure of network, which will be discussed, which already discussed and which will be discussed in next lecture, and topology is already discussed in our second lecture. There were many topologies there: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology and tree topology. So token bus is based on bus topology and token ring is based on ring topology. ज्यादातर हम लोग टोकन बस को अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इज फॉर वेरी सोफेस्टिकेटेड, बिकॉज इट इज वेरी सोफेस्टिकेटेड प्रोटोकॉल एंड इज यूज फॉर लार्ज स्केल ऑफ फैक्ट्री साइज एंड वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब इज टू बी क्रिएटेड, तभी ये यूज होता है. एंड टोकन रिंग इज द वेरिएशन ऑफ, there are any drawback of CSMA, then token ring is used to overcome the drawbacks or limitations of CSMA. लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा दोनों को डिस्कस करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग टोकन बस, सबसे पहले हम टोकन रिंग को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज टोकन बस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CSMA एंड टोकन रिंग, मीन 802.3 एंड 802.5 जो प्रोटोकॉल वर्जन है उनका कॉम्बिनेशन है टोकन बस, दैट इज 802.4. बिफोर डिस्कसिंग टोकन बस, सबसे पहले हम लोग टोकन रिंग को डिस्कस कर लेते हैं. अस्मिता, तुम्हारे माइक में क्या प्रॉब्लम है? अस्मिता गुड़िया. हाँ अस्मिता, तुम्हारे माइक में क्या प्रॉब्लम होती है? तो जब बोलती हो तो अभी तो आवाज आ रही, तो उस समय क्यों नहीं आ रही थी? हाँ
802.5 टोकन रिंग। एज नेम सजेस्ट, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूं। टोकन रिंग इज द मैकेनिज्म इन विच मोर देन टू और मेनी मोर नोड्स आर असेंबल्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे आपने रिंग टोपोलॉजी बनाई थी टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, अ टोकन इज पास्ड व्हेनेवर एनी स्टेशन wants to send their data to the another station, means sender to receiver. First it must acquire the token, then only he is capable to send their data, and the token is held by that station until acknowledgement is not received by that station. ये ध्यान, फुल कॉन्सेप्ट यही है। जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली भी कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो हम लोग पहले एडवांस में एक टोकन मिल जाता है। टोकन मिलने के बाद वी शुड वेट फॉर अवर टर्न। डॉक्टर एक एक करके बुलाता है। व्हेन अवर टर्न कम्स वी विल सबमिट अवर टोकन टू द जो भी कलेक्शन सेंटर है, और देन अपनी जॉब को प्रोसेस करते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई भी काम होता है, कहीं आप बैंक में जा रहे हैं, कहीं भी अपनी जॉब को प्रोसेस करते हैं। सेम पैटर्न इज फॉलोड हियर। ठीक है, तो बिफोर डिस्क्राइबिंग, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं कि किस तरह से टोकन पास हो रहा है और प्रोसीजर क्या होता है। सपोज करिए ए बी सी एंड डी, ये चार आपके स्टेशन है। ठीक है, ये फोर स्टेशन है, इनके बीच में कहीं टोकन ये ट्रेवल कर रहा है। This is T. Visible है T? T token is visible. सभी को दिख रहा है टोकन? हाँ, ये फोर स्टेशन है, A, B, C और D, और टोकन यहां बीच में ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, मैं लिखता भी चला जाता हूं। टोकन इज ट्रेवलिंग Along the ring. देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाइएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। That's why मैंने आपको बोला है कि फ्रोजन बुक को फॉलो करिए। फ्रोजन और टेनेनबाउम में बेसिक डिफरेंस यही है कि फ्रोजन की लैंग्वेज इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड, एंड देयर आर मेनी डायग्राम बाई विच एनी कॉन्सेप्ट कैन बी डिस्क्राइब। बहुत आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते। ठीक, सेकेंड में क्या होता है कि सपोज स्टेशन ए वांट्स टू सेंड दियर डेटा टू स्टेशन डी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट कैप्चर द टोकन ए बी सी डी। ठीक है, यहां पे इसने क्या किया, टोकन यहां के इनके पास आ गया। अब ये टी जो है यहां पहुंच गया, इन्होंने कैप्चर कर लिया है, ए के पास है, और ये आपका जो डेटा है डायरेक्टली ए टू डी ट्रेवर्स होने लगा। यहां मैं डेटा का दिख दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं ए टू डी, दिस इज डी। तो इन्होंने टोकन यहां पे कैप्चर कर लिया है स्टेशन ए ने, एंड जैसे ही इन्होंने कैप्चर किया ए स्टेशन ने, इन्होंने अपना डेटा डी की ओर ट्रांसफर कर दिया। सो स्टेशन ए कैप्चर्स द डेटा, कैप्चर द टोकन एंड सेंड डेटा टू द स्टेशन डी। ठीक है, फोर्थ में क्या हुआ, डेटा आपका डी तक पहुंच गया। अभी टोकन यहीं पे है, ध्यान रखिएगा टोकन कहीं नहीं गया है, टोकन ए के पास ही है। टोकन अभी भी ए के पास है, टोकन ए होल्ड किए हुए और डेटा जो है आपका यहां तक पहुंच गया, यहां पे रिसीव हो गया डेटा। एंड आफ्टर रिसीविंग द डेटा इन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दिया, जिसको हमने एसी के नाम दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट ए की ओर भेज दिया है। स्टेशन T
B copies the data, means receive the data and send back acknowledgement, means data, acknowledgement also is data, to A through the ring. ठीक है, as soon as station A receive the acknowledgement, as soon as station A receive the acknowledgement by this process, it releases the token. A token आपका फिर से यहां पे free होकर के ट्रेवल करने लगा. ठीक है, स्टेशन ए रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, या आप कह सकते हैं डेटा, या जो भी एक्नॉलेजमेंट का एक फ्रेम गया है, एंड रिलीज द टोकन. सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ टोकन रिंग. तो जो ड्रॉबैक्स थे CSMA में, कि इतना सब होने के बाद आप कोलिजन डिटेक्ट कर लेते थे बाय देयर आर मेनी मैकेनिज्म, नॉइज से या किसी और के थ्रू, या कोई आपको मैसेज मिल जा रहा था, या प्रोग्रेस बार से आप पता चल रहा था, लेकिन स्टिल यू आर अनेबल टू अवॉइड द कोलिजन कंप्लीटली. दोनों वर्जन आपने यूज करे, लेकिन उसके बाद भी आप पूरी तरह से कंप्लीटली यू आर अनेबल टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ कोलिजन. So token rate is the method by which you can avoid the collision by the using concept of token. जैसे कि हमने आपको डायग्राम से बताया कि इसमें पूरी रिंग में बने होते हैं, क्योंकि रिंग जो आपकी टोपोलॉजी है, निर रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ही सारे नोड कनेक्टेड होते हैं. एक टोकन पास होता रहता है, रिंग में ट्रेवल करता रहता है. Whenever any station tends to send their data to the receiver, रिसीवर कोई भी हो सकता है पूरे रिंग में, भाई हमने यहाँ डी चुना है, आप बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट कैप्चर द टोकन, और टोकन तभी कैप्चर कर पाएगा जबकि वो फ्री होगा, और जब उसके पास वो आएगा उस रेंज में होगा. इस कंडीशन में भी अगर सपोज करिए हमने बताया कि टोकन यहाँ पे इन्होंने ए रिलीज कर दिया है, अगर बी सोच रहा है कि उसके पास टोकन मिल जाए, तो उसको वेट करना होगा जब ये यहाँ सी तक जाएगा, सी कैप्चर नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, फिर वो डी की ओर जाएगा, डी भी कैप्चर नहीं करेगा, तब बी के पास आएगा. वेट सबको करना पड़ेगा. ठीक है, टोकन पास होता चला जाएगा, बीच में किसी ने कैप्चर कर दिया, और डेफिनेटली वेटिंग टाइम इधर बढ़ जाएगा. बट एज सून एज एनी स्टेशन कैप्चर द टोकन, ही इज परमिटेड टू सेंड दियर डेटा टू द रिसीवर और डिजायर एंड जो भी उसको लग रहा है वहां पे भेज देगा. भेजने के बाद, उसके बाद जैसे ही स्टेशन आपका जो है रिसीवर एंड उसने डेटा को कैप्चर कर लिया, डेटा आपको पास मिल गया, तो वो तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट जो उसका सेंडर था उसको भेजेगा. सेंडर के पास जब एक्नॉलेजमेंट पहुंच हो जाएगा, देन वो आपका टोकन रिलीज कर देगा और फर्दर ये अवेलेबल हो जाएगा अदर स्टेशन के लिए. तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसकी वर्किंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसमें किसी को कोई कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं. इसकी वर्किंग और टोकन बस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी, इसमें भी एक पूरा फ्रेम फॉर्मेट है. इसकी वर्किंग एक्चुअल में कैसे होती है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ये फ्रेम फॉर्मेट बेस्ड है CSMA CD के हिसाब से, उसके ही, क्योंकि इसका ही वेरिएशन है, उसके ओवर जो भी आपके ड्रॉबैक्स उनको ओवरकम करने के लिए ही है टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट या ये प्रोटोकॉल यूज हुआ है. अब फिर आएंगे डायरेक्टली हम टोकन बस पे 802.4 पे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है इस टोकन रिंग का और साथ ही साथ CSMA का.